जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नए लेक्चर की, और आज का लेक्चर क्या है? सेल पोटेंशियल। तो लेक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल पोटेंशियल है क्या, डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे ये इतनी छोटी सी टर्म जो है हमें कैसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकती है, यानी कि ये क्वेश्चन जो आएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द सेल। तो सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या बोलती है, हमें क्या एग्जाम में लिखना है। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम है तो हमें लिखना तो पड़ेगा ही, तो क्या रहेगी डेफिनेशन देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। यानी बहुत इजी वर्ड्स में इसने पता रखा है कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल जो हमारा है उसके दो इलेक्ट्रोड होंगे, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको एक बार देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको डायग्राम बताया था, आपको पता होगा क्या सेल बनाते हैं। हमने क्या करा, दो कंटेनर ले लिए, इनमें दो क्या करे इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, ये लीजिए इलेक्ट्रोड डिप कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहां पर इन्हीं का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। जैसे मान लीजिए ये मैंने जिंक लिया, जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, तो मैंने यहाँ पे जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, डैनियल सेल जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। चलिए इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया आपके जो दो इलेक्ट्रोड हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड जो है, इनके बीच का डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ही क्या है हमारा सेल पोटेंशियल। यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसे ही अपन ने क्या बोला है, सेल पोटेंशियल। डेफिनेशन एक और है क्या, द सेल पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। भैया इसको हमने एनोड बोला था, इसको हमने कैथोड बोला था, तो आप क्या बोल सकते हैं, और अच्छी शार्प डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोई भी सेल है उसके जो एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, वही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सेल पोटेंशियल हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, मान लीजिए, और इसी को से बोला है, क्या सेल पोटेंशियल को ही ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, क्या सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रो का E, मोटिव का M और F का F, फोर्स का F, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, यही सेल पोटेंशियल। कब, जब कोई भी करंट हम फ्लो नहीं करा रहे होंगे, बिल्कुल हमारा जो सेल है उसमें हम कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे होंगे, तब हम उस सेल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। तो ये हमने बना दिया क्या, डैनियल सेल, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, सेल जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन इसकी, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में, और ये रिएक्ट करेगा कॉपर प्लस टू एक्वस के साथ में, और किस तरह से रिएक्शन आएगी, जिंक प्लस टू एक्वस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड, ये इसकी रिएक्शन थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसका मैं सेल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, क्या सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डायग्राम। अगर मैं इस, ये रिएक्शन दे दी हमें और वो बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कीजिए सेल डायग्राम, बताइए डैनियल सेल के लिए, तो हम क्या करेंगे, आइए मैंने आपको बताया था, अपन एक दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरफ हम वो रखेंगे जो क्या है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का,
किस में? जिंक प्लस टू एक्वस। और ये जो दो वर्टिकल लाइन है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है इसके राइट हैंड साइड में। इसके लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने ऑक्सीडेशन को रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मैं किसको रखूंगा? रिडक्शन को। जो क्या हो रहा है, कॉपर प्लस टू जो एक्वो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। ओके, तो ये मैंने क्या लिख दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल मैंने यहाँ पे कर दिया। चलें अब बात करते हैं क्या सेल पोटेंशियल, इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है और फॉर्मूला हमारा क्या है वो ये रहा, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। फॉर्मूला हो गया क्या, दिस इज द फॉर्मूला। कितना इजी फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए इसको, दिख रहा है? ई सेल इज इक्वल टू ई माइनस ई। अब कौन सा वाला ई, ये क्या है? बिल्कुल जो हमने सेल डायग्राम रिप्रेजेंट किया है उसमें राइट हैंड साइड में जो है ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, क्या हो रहा है इस पर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन हाफ। और राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर होगा। और रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पर होगा। कितना सिंपल है, लास्ट क्लास जो है वो बिल्कुल काम आएगी। क्या कि आप कोई भी सेल डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला आएगा, यहाँ पर रिडक्शन वाला आएगा। ये ट्रिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैंने इसके लिए जो पर्टिकुलर सेल लिया है उसका मैंने इधर ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन रखा है, इधर रिडक्शन वाला पोर्शन रखा है, और इसको बोला ऑक्सीडेशन हाफ, इसको बोला रिडक्शन हाफ, क्योंकि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो था, जीरो। अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस टू में। ओके, तो इसका क्या हो गया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ प्लस टू से जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया इन्होंने तो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, कैथोड, और ये हो गया एनोड। ये लीजिए, अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। इतनी बातें अगर आपको पता है, जो मैंने यहाँ पर अभी इस फॉर्मूले को रहने दीजिए, अगर आपको इतनी बातें पता है तब जाके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। बड़ा इजी लग रहा है फॉर्मूला, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट, यहां से आएगा आंसर। इसके अंदर अगर मैं इसका ई सेल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ पर्टिकुलर सेल डायग्राम के लिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पता होनी चाहिए, दैट्स इट, सॉल्व। आइए मैं ई सेल की बात कर रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा लालाओ, बताओ। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ये रहा, मैं यूं खड़ा हूँ, आप ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपका राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे क्या है, बिल्कुल जहाँ पे कैथोड है, या मैं बोल दूँ रिडक्शन हाफ है, या मैं बोल दूँ ये टर्म है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, जब मैं इसको लिखूंगा तो ई लिखा, और ये जो था वो मैं यहाँ पे इसके छोटा सा मेंशन कर दूंगा, सी दिख रहा है, फिर माइनस ई लेफ्ट, आप यूँ खड़े, ये आपका इधर वाला लेफ्ट है, लेफ्ट वाले पे क्या है, जिंक, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक प्लस टू, ये लीजिए जिंक, जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये आपका निकल गया क्या, बिल्कुल ई सेल निकल गया इस पर्टिकुलर डैनियल सेल के लिए। अब जो वैल्यू उसने लिख रखी होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दे रखा होगा कॉपर के लिए और जिंक के लिए, आप वैल्यू पुट कीजिए। अगर पॉजिटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव के अंदर पुट कीजिए, अगर आगे इसने वैल्यू में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके आगे नेगेटिव दे रखा था, विथ साइन पुट करना है हमें। समझ में आ रही है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे हमने क्या करा, कॉपर लिया, इसकी रिएक्शन सॉलिड,
इसकी रिएक्शन 2Ag+ से करा दी, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हुआ, कॉपर प्लस 2 एक्वस में कन्वर्ट हो गया और 2Ag जो है एक्वस में जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। ये रिएक्शन है हमारी, ठीक है। कॉपर रिएक्ट विथ Ag+ एक्वस एंड Cu+2 एक्वस कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो गया, Ag+2 Ag में कन्वर्ट हो गया, हो गया अब, ठीक है। ये एग्जांपल जो था, ये रिएक्शन, इसमें पूरी रिएक्शन में कहीं पे भी 2 नहीं था, 2 मोल नहीं थे, इसके 2 मोल लेने पड़ रहे हैं। ऐसे एग्जांपल भी हमें आएंगे और ऐसे ही एग्जांपल देगा जो हम कंफ्यूज होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये 2 क्यों है, क्योंकि इस पे प्लस 1 है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कितने, तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे दिया, दे हुआ यूज में आ रहा है, तो अभी से प्लस है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, ठीक है। हम इसके पास जाएंगे, देखिए इनको जो है एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या बोलेंगे, देखो ऐसी बात है, मैं एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना है तो बात करो, वरना आगे चलो। तो हम क्या बोलेंगे, हमें तो चाहिए, ठीक है 2 दे दो, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके हमने इसको दे दिए। अब ये बोलेगा देखो ऐसी बात है, चाहिए तो ठीक है, बट मैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ एक टाइम में। अब ये भी संकट हो गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करें, तो हमने कितने मोल ले लिए, इसके 2 मोल ले लिए, तो एक Ag+ को एक इलेक्ट्रॉन चिपकाएंगे और दूसरे Ag+ को दूसरा इलेक्ट्रॉन चिपका देंगे, दोनों सेटिस्फाइड हो गए, ये लीजिए। ध्यान रखिएगा, जब भी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन आएगा तो उसके आगे एक्वस मेंशन करना है, और अगर न्यूट्रल हो चुका है तो सॉलिड। तो ये तो कोई सेल रिएक्शन ले लिया हमने, ले लिया। अब मैं इसका सेल डायग्राम बनाऊंगा, इधर ले लेते हैं इसका सेल डायग्राम, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए कॉपर का प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ Cu solid Cu+2 aqueous। ये वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए थी, सॉलिड और एक्वस फेस को सेपरेट करने के लिए। डबल लाइन मैंने बता रखा है, इट इज ए सॉल्ट ब्रिज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इधर क्या आएगा, रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Ag+, ठीक है एक्वस, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है Ag solid में, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया कि भैया ये हमारा क्या बन गया है, सेल बन गया है, देख लो, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि ये इक्वेशन का ये सेल डायग्राम आपने बना दिया, ठीक है, बट आपने यहाँ पर 2 मेंशन किया है, 2 मोल, तो यहाँ पर तो किया ही नहीं, यही दिक्कत आएगी। यहाँ पर सेल डायग्राम जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं लिखेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। देखिए वहाँ पर कितने मोल थे, 2, हमने यहाँ पर 2 लिखा क्या, नहीं लिखा, तो सेल रिप्रेजेंट करते हैं तब नहीं लिखेंगे, हाँ इक्वेशन में जरूर लिखेंगे, ठीक है। आइए अब मेरे लिए क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है इस सेल के लिए, सेल डायग्राम के लिए, हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेल डायग्राम, लेफ्ट और राइट हम जानते हैं अच्छे से, हमारा तो सब कुछ ही सॉल्व हो गया भैया, अब तो बचा ही क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेड पेन ले लेते हैं, रेड कलर, देखिए जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना गया, जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए, सारे रंग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, स्टडी, वर्क हार्ड, ओके। ई सेल, तो मैंने क्या लिखा, ई सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट का मतलब क्या है, इसमें राइट हैंड साइड पे क्या है, ये रहा, तो ई Ag+ Ag- ई Cu+2 के लीजिए, ये आ रहा है क्या, यही आएगा क्या, देखिए राइट वाली टर्म इधर रख दी और लेफ्ट वाली टर्म इधर पुट कर दी, देखिए ध्यान से देखिए इसको, ओके। अब सुनिए इसके अंदर, यहाँ पर हमें वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देगा क्वेश्चन के अंदर, वो क्या करेगा, वो बड़ा स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि ना धो के एकदम शेव बना के एकदम या फिर गर्ल है तो एकदम करके बैठा है, स्मार्ट का मतलब है वो ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट को
इस सेल रिएक्शन से क्या सेल रिप्रेजेंट करना आता है, और आता है तो क्या नंबर ऑफ मोल भी इन्वॉल्व कर रहा है, और उसको ये भी आता है कि ये फार्मूला क्या है, और इस फार्मूले को इस पर्टिकुलर सेल डायग्राम में अप्लाई करना आ रहा है क्या, वो बहुत सारी चीज़ें नोट करता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें ये बन गया, अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है विथ साइन, जो हमें वैल्यूज देगा उसके साथ में हमें पुट करना है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, अगर आप कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सिलेबस के अंदर, तो ध्यान रखिएगा ये इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, इस फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन देता ही है। एक पैटर्न मैंने आपको बताया, और एक पैटर्न वो देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमें पता होनी चाहिए वो, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तब हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी करना है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।